हेलो गाइस, आई होप कि इस चैप्टर का प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस चैप्टर का प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। उसी मज़े के साथ आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर सेकेंड। चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर सेकेंड। बट उससे पहले, जो भी स्टूडेंट्स जेनेटिक्स से डरते हैं, समझ नहीं आती है, समझ नहीं आएगा, क्या करें, बच्चे डरा देते हैं, टीचर्स डरा देते हैं, तो डर आपका हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज हमारा टॉपिक होने वाला है, फर्स्ट टॉपिक है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जब मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट के ऊपर, तो उसने कुछ लॉज दिए थे, समझ आई? उसने कुछ लॉज दिए थे, वो कौन कौन से लॉ थे? फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। सेकेंड, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर दो लॉज आते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और ये दोनों के दोनों, ये दोनों लॉज किसके लिए हैं? मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड। और ये किसके लिए है? डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए। देखो, मेंडल ने दो लॉज दिए थे अपने, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर दो लॉज आते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ ऑफ डोमिनेंट। ये दोनों किसके लिए है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। और ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ये किसके लिए आता है? डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए, समझ आई? अब ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, उन सबको मैं यहाँ पे इस सेक्शन में डिफाइन करूंगा। सबसे पहले मैं लेता हूं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका मतलब होता है दिस लॉ states that characters are controlled by discrete unit called factor। सेकेंड इसने बोला था फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। थर्ड इसने बोला इन डिसिमिलर
पेयर ऑफ फैक्टर्स फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव देखो अब इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट मैंने क्या लिखा दिस लॉ स्टेट्स दैट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं जो भी कैरेक्टर से कलर के बारे में बात की थी मैंने लेक्चर नंबर वन में मैंने कलर के बारे में बात की हाइट के बारे में बात की कलर ऑफ आईज के बारे में बात की थी तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर कैरेक्टर्स है जितनी भी हमारी विशेषताएं हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है फैक्टर के द्वारा फैक्टर कह सकते हैं जीन्स कह सकते हैं डीएनए का छोटे छोटा पार्ट क्या कहलाता है जीन्स कहलाता है समझ आई वही कंट्रोल करता है क्या फीचर्स होंगे क्या क्वालिटी होगी क्या कैरेक्टर्स होंगे समझ आई सेकंड इसने बोला फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर फैक्टर्स किस में होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं देखो मैंने बताया था एग्जांपल के लिए देखो एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं फैक्टर्स हमेशा किस में होते हैं पेयर में होते हैं जैसे एक्स एक्स पेयर में है एक्स वाई ये भी पेयर में कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी पेयर में समझ आ रही है ऑलवेज अकर इन पेयर हमेशा पेयर में एक्स 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 वाई कैपिटल टी स्मॉल टी पेयर में है हमेशा थर्ड पॉइंट है इसमें डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर देखो ये वाला एग्जांपल ये डिसिमिलर है एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है ये वाला भी डिसिमिलर है एक एक्स है एक वाई है समझ आ रही है इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव अगर जो तुम्हारे पेयर्स है वो डिसिमिलर है कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अलग अलग है तो एक इसके अंदर डोमिनेंट होगा एक क्या होगा रिसेसिव होगा एक क्या होगा सपोज यहां पे दोबारा लिख देता हूं मैं कैपिटल टी स्मॉल टी ये किसके एग्जांपल है डिसिमिलर का तो इसके अंदर जो ये वाला सेक्शन है जो कैपिटल टी है वो क्या है डोमिनेंट डोमिनेंट और ये वाला क्या है स्मॉल टी है रिसेसिव समझ आ गया इतना डोमिनेंट का मतलब होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है लेक्चर नंबर वन में मैंने बता दिया जाकर जरूर देखें समझ आ जाएगा डोमिनेंट का मतलब होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है भीड़ में भी जो अकेला दिखेगा वो है डोमिनेंट मान लो कि एग्जांपल के लिए दोबारा दे देता हूं मैं एग्जांपल एक इंसान ज्यादा भारी है एक पतला सा है तो जो भारी वाला बंदा पतले को दबा लेगा उसे एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा समझ आ रही है तो वो डोमिनेंट है जो मोटे वाला बंदा है वो डोमिनेंट है जो पतला है वो क्या है रिसेसिव है समझ आ रही है इसी को बोलते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव समझ आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है सेकंड आता है सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकंड आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर बट दे विल हैव टू बी सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट होना सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन देखो इस लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन, इस लो का मतलब क्या है? इसने बोला है कि फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं, मान लिया फैक्टर्स हमेशा पेयर में होंगे, लेकिन जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी उस टाइम पे दोनों को अलग होना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, सपोज ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, और ये क्या है, स्मॉल टी और कैपिटल टी। अब देखो दोनों का मैं क्रॉस कराऊंगा, क्रॉस कराने से पहले ये क्या होंगे, आपस में सेपरेट होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग हो गया ना, इसमें भी ये भी अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अलग होने के बाद इनका क्रॉस किया जाएगा, अलग होने के बाद इनका क्रॉस होगा, समझ आ रही है? इस तरह से अलग होने के बाद इनका क्रॉस किया जाएगा, अगर इनको अलग नहीं किया तो क्रॉस नहीं होगा, समझ आ रही है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां से आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, समझ आ रही है? समझ आ गया इतना? तो ये क्रॉस बताने का मेरा मतलब नहीं था अभी, अभी सिर्फ मेरा मतलब है इसे डिफाइन करना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि फैक्टर्स हमेशा पेयर में, देखो ये भी पेयर में है और ये भी पेयर में, बट गैमेट के टाइम पे अलग होना पड़ेगा। ये क्या है, गैमेट्स, ये क्या बनाया मैंने, ये गैमेट्स है, समझ आई? ये P1 जनरेशन है, पेरेंट की जनरेशन, और क्रॉस होने से पहले, क्रॉस होने से पहले अलग होना पड़ेगा, इसका मतलब ये है, समझ आ गया? हमेशा पेयर में है लेकिन क्रॉस से पहले इनको अलग होना पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, समझ आ गया? नेक्स्ट, इसके बाद आता है लॉ ऑफ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट वेर टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ हाइब्रिड, देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इंडिपेंडेंट ऑन अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑन अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। देखो इसका मतलब क्या है, इसने बोला कि अब इसने क्या ले लिया, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यहां पे एग्जांपल लेके बता देता हूं, एग्जांपल यहां पे मैंने ले लिया कैपिटल वाई, यहां पे स्मॉल वाई। ये क्या है, ये है राउंड, दो कैरेक्टर्स लिए ना, ये है राउंड, ये है रिंकल्ड, ये रिंकल्ड है, और ये क्या है, येलो, ये है ग्रीन। बुक के अंदर ये एग्जांपल दिया है, देखो दो कैरेक्टर्स ले लिए ना, मैंने शेप की भी बात कर ली, जो सीड है पी का सीड है, मटर के जो दाना है उसकी शेप की बात की है मैंने, राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, ठीक है। अब उसके कलर की भी बात कर ली मैंने साथ साथ, या तो येलो होगा या ग्रीन होगा, तो दो कैरेक्टर्स ले लिए ना, एक तो मैंने सीड के शेप की बात कर ली और सीड का कलर,
यहां पे मैंने दो कैरेक्टर्स ले लिए, कौन कौन से, यहां पे मैंने दो कैरेक्टर्स लिए हैं, एक तो सीड शेप, दूसरा मैंने क्या लिया है, सीड कलर। सीड शेप और सीड कलर दोनों कैरेक्टर्स ले लिए। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में किस तरह से क्रॉस होगा, यहां से कैपिटल आर, यहां से कैपिटल वाई, यहां से क्या आएगा, एक तरफ से कैपिटल आर आएगा, एक तरफ से कैपिटल वाई, यहां पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑन अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, तो जो ये वाला पेयर ऑफ कैरेक्टर है ना, ये इंडिपेंडेंटली इससे असोर्ट करेगा, ठीक है। जैसे यहां से आएगा कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, यहां से आएगा कैपिटल वाई और यहां से स्मॉल वाई, समझ आ रही है, इंडिपेंडेंटली असोर्ट करेगा। यहां पर जो पूरा पेयर है, पूरा का पूरा पेयर, ये वाला पूरा पेयर पहले कैपिटल आर से मिला, ये वाला पूरा पेयर फिर किससे मिलेगा, वाई से मिलेगा, तो इस तरह का एक एफ वन जनरेशन यहां पे आ जाएगी, समझ आ रही है। इंडिपेंडेंटली मतलब दूसरे पे डिपेंड होके नहीं करेगा, ये इंडिपेंडेंटली करेगा, समझ आई। इस पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा क्रॉस दिया हुआ है बुक के अंदर, वो मैं बता दूंगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट के ऊपर पूरा बड़ा सा एक क्रॉस दिखा रखा है, इसी के ऊपर दिखाया वो, समझ आई। चलो देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मैंने बताया ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट किसके लिए होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए होता है, और ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ये मैंने लेक्चर नंबर वन में पूरा का पूरा बता दिया, समझ आई। अब कौन सा आता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस देखो यहां पर बता देता हूं, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम क्या लेंगे, डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड यानी कि दो कैरेक्टर्स वाले। अब दो कैरेक्टर्स वाला एग्जाम्पल लूंगा मैं, यहां पर एग्जाम्पल ले लेता हूं जो मैंने अभी नीचे लेके बताया था, एग्जाम्पल सीड शेप और सीड कलर दोनों ले लिए मैंने। देखो यहां पे कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब यहां से क्या निकलेगा, यहां से आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां से आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब इन दोनों से क्या बनेगा, दो कैरेक्टर्स वाला बना रहा है ना, बस ये ध्यान रखना, जो हमारे पास ट्रेट आएगा यहां पर, जो भी ट्रेट आएगा उसमें दो कैरेक्टर्स होने चाहिए। देखो यहां पे एक कैरेक्टर है, समझ आए, दो कैरेक्टर्स होने चाहिए वहां पर। देखो यहां से आएगा कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, यहां से कैपिटल वाई, यहां से स्मॉल वाई, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पे बनेगी एक टेबल, डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना ये, यहां से आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां से आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहां से स्मॉल आर स्मॉल वाई, देखो मैंने क्या बताया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट में मैंने बताया कि वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑन अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। देखो अब ये वाला क्या करेगा, इसने इससे क्रॉस किया और दोबारा इससे क्रॉस किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, देखो ये रहा कैपिटल आर कैपिटल वाई,
दोबारा कैपिटल आर ने किससे सॉर्ट किया, स्मॉल वाई से। अब आ जाता ये वाला स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल वाई से किया, फिर स्मॉल आर ने स्मॉल वाई से किया, समझ आ गई। तो इसी तरह से यहां पे बनेगी, बनेंगे सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, समझ आ रही है। और इसे हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर का मतलब होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, जो भी क्रॉस जो क्रॉस बताए थे उसे ग्राफिकली बताना क्या कहलाता है, पुनेट स्क्वायर कहलाता है। अब देखो यहाँ पे इसलिए बना लोगे आप सब, ऊपर से ये आसान होता है, यहां से आएगा कैपिटल आर, यहां से आएगा कैपिटल आर, और यहां से कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहां से कैपिटल आर, यहां से कैपिटल आर, यहां से आएगा कैपिटल वाई, यहां से स्मॉल वाई, यहां से कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, इधर से आएगा कैपिटल वाई, यहां से आएगा स्मॉल वाई, वो कैपिटल वाई सॉरी, यहां से आएगा कैपिटल आर और यहां से आएगा स्मॉल आर, यहां से कैपिटल वाई और यहां से स्मॉल वाई, ठीक है, यहां से कैपिटल आर यहां से कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां से कैपिटल आर, यहां से भी कैपिटल आर, एक ऊपर से आएगा एक इधर से आएगा, ठीक है, यहां से स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इस तरह से बन जाएंगे सारे के सारे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये ऊपर से आएगा कैपिटल वाई, यहां से स्मॉल वाई, यहां से आएगा कैपिटल आर, ऊपर से आएगा स्मॉल आर, यहां से आएगा स्मॉल वाई और ऊपर से भी स्मॉल वाई, यहां से आएगा कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, ऊपर से आएगा कैपिटल वाई, यहां से आएगा कैपिटल वाई, ऊपर से कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, ऊपर से स्मॉल वाई, यहां से कैपिटल वाई, यहां से आएगा स्मॉल आर, यहां से भी स्मॉल आर, ऊपर से आएगा कैपिटल वाई, यहां से भी कैपिटल वाई, इधर से आएगा स्मॉल आर, ऊपर से भी स्मॉल आर, यहां से आएगा कैपिटल वाई, यहां से स्मॉल वाई, ऊपर से आएगा कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, ऊपर से आएगा कैपिटल वाई, यहां से स्मॉल वाई, ऊपर से कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, ऊपर से आएगा स्मॉल वाई, यहां से भी स्मॉल वाई, ऊपर से स्मॉल आर, इधर से भी स्मॉल आर, ऊपर से कैपिटल वाई, यहां से स्मॉल वाई, ऊपर से आएगा स्मॉल आर, इधर से भी स्मॉल आर, ऊपर से स्मॉल वाई, यहां से भी स्मॉल वाई, समझ आ रही है। अब देखो मैंने यहां पे क्या बताया, ये वाला किसके लिए है, ये वाला ये रिप्रेजेंट करता है राउंड को, और ये रिप्रेजेंट करता है किसे, येलो, ये रिप्रेजेंट करता है रिंकल्ड, और ये रिप्रेजेंट करता है ग्रीन, समझ आ रही है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग इन सबको आप सब लिख लेना, कैसे लिखोगे, देखो यहां पे कैपिटल आर दोनों कैपिटल आर है, दोनों डोमिनेंट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा राउंड, यहां पे क्या आ जाएगा राउंड आ जाएगा, और कैपिटल वाई किसे बता रहा है, येल्लो को, यहां पे येल्लो आ जाएगा, समझ आ रही है। यहां पे कैपिटल आर यानी कि ये राउंड है राउंड, और यहां पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों में से डोमिनेंट कौन है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से डोमिनेंट कौन होता है, जो बड़ा होता है, कैपिटल वाई बड़ा है, और कैपिटल वाई का मतलब क्या है, येल्लो, तो यहां पे क्या है राउंड और येल्लो आ जाएगा, समझ आ रही है। तो इस तरह से सबके नीचे लिख लेना, मैं एक बार एनसीईआरटी में दिखा देता हूं, तो एनसीईआरटी में दिखाया था, अच्छे समझ आ जाएगा। देखो देखो ये देखना ध्यान से, दिख रखा है ना पूरा का पूरा, इसमें कलर की फॉर्म में बता रखा है, जो मैंने फर्स्ट वाला बताया ना कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो इसका मतलब क्या राउंड और येल्लो, एक बताया था एग्जाम्पल, बाकी सारा ड्रॉ कर लेना और समझ आ जाएगा, क्रॉस बताना था बस। देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई इसका मतलब क्या राउंड और येल्लो, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये वाले जो सीड है वो राउंड है और येल्लो कलर का भी है, राउंड और येल्लो, समझ आ रही है। तो इस तरह से सबको दिखा रखा है, और इनका रेशो क्या निकलता है, 9:3:3:1, 9 का मतलब क्या राउंड और येल्लो, जितने भी इस क्रॉस में सीड है
नाइन ऐसे सीड है जो राउंड और येलो है, तीन ऐसे हैं जो राउंड और ग्रीन है, तीन ऐसे जो रिंकल्ड और येलो है, तीन ऐसे ना देखो एक ही रहा, एक ही रहा, एक ही रहा, तीन सीड ऐसे जो रिंकल्ड है सुखड़े हुए हैं और येलो कलर के हैं, एक ऐसा है जो रिंकल्ड और ग्रीन है, देखो ये रहा नीचे रिंकल्ड और ग्रीन, समझ आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डोमिनेंस। डोमिनेंस डोमिनेंस में दो आते हैं, एक आता है इनकंप्लीट डोमिनेंस इनकंप्लीट डोमिनेंस, एक आता है कोडोमिनेंस कोडोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब अफनोमिना इन विच, डोमिनेंस का मतलब होता है अफनोमिना अफनोमिना इन विच एफ वन प्रोजेनी रिजेंबल रिजेंबल ईदर ऑफ द पेरेंट, एफ वन प्रोजेनी रिजेंबल ईदर ऑफ द पेरेंट। तो डोमिनेंस का मतलब सीधा से सीधा क्या है कि जो एफ वन प्रोजेनी है, जो माँ बाप के बच्चे पैदा होंगे, या तो वो माँ की तरह होगा या बाप की तरह होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो यहां पे डोमिनेंस का बता रहा हूं, डोमिनेंस में देखो ये फादर है और ये मदर है, इनसे क्या होता है ये एक बच्चा पैदा हुआ। तो मैंने क्या बताया रिजेंबल इधर ऑफ द टू पेरेंट, इसका सपोज इसकी स्किन का कलर क्या है, इसका स्किन कलर है स्किन कलर कैसा है व्हाइट है, और इसका स्किन कलर क्या है ब्लैक है, इसका स्किन कलर व्हाइट है इसका क्या है ब्लैक है। तो बच्चे का क्या होता है, बच्चे क्या होता है ब्लैक हो जाता है, बच्चे का स्किन कलर क्या है ब्लैक। तो मैंने क्या बोला डोमिनेंट में, मैंने क्या बोला कि एफ वन प्रोजेनी रिजेंबल इधर ऑफ द टू पेरेंट, जो एफ वन प्रोजेनी है जो बच्चा पहला बच्चा पैदा हुआ इनका, वो या तो माँ से मिलेगा या बाप से मिलेगा, इधर ऑफ द टू पेरेंट दोनों में से एक से मिलेगा, समझ आ गई। अब मैं बात करता हूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, समझ आ गया। चलो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इसमें क्या होगा एफ वन प्रोजेनी रिजेंबल रिजेंबल बिटवीन द टू पेरेंट्स बिटवीन द टू पेरेंट्स, इसके अंदर एफ वन प्रोजेनी रिजेंबल बोथ द पेरेंट सेपरेटली बोथ द पेरेंट्स सेपरेटली। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहां पे देखना इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल आता है डॉग फ्लावर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है डॉग फ्लावर, जिसे हम बोलते हैं स्नैप ड्रैगन,
स्नैपड्रैगन। डॉग फ्लावर को क्या बोलते हैं? स्नैपड्रैगन बोलते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला है, F1 प्रोजेनी रिजेंबल बिटवीन द टू पेरेंट्स। जो बच्चा पैदा होगा ना तो वो माँ से मिलेगा ना बाप से मिलेगा, दोनों का मिक्सचर बन जाएगा। अब ये कैसा मिक्सचर है इस पे ध्यान देना। देखो इसका क्रॉस करके मैं सबको बताता हूं। सबसे पहले आएगा पी जनरेशन। पी जनरेशन, पी जनरेशन का मतलब होता है पेरेंट की जनरेशन। इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये है हमारा रेड और ये है व्हाइट। यहां से आएगा और यहां से भी कैपिटल आर, यहां से आएगा स्मॉल आर और यहां से भी क्या आएगा स्मॉल आर। ठीक है, समझ आएगी। क्या बन गए? गैमेट्स। ये क्या बन गए? ये पेरेंटल जीन है, ये पेरेंटल जीन है और इनके क्या बने? गैमेट्स बने। अब इनका क्रॉस कराना है। यहां से आएगा कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, यहां से 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 कैपिटल आर, यहां से आएगा स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो जो इनका कलर है, बच्चों कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई आर तो डोमिनेंट है, स्मॉल आर क्या है? रिसेसिव है। तो डोमिनेंट कैपिटल आर है और कैपिटल आर का मतलब क्या है? रेड। तो सारे के सारे रेड होने चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। डॉग फ्लावर के अंदर क्या होता है कि जब क्रॉस कर लिया जाता है, क्रॉस के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, जो F1 जनरेशन पैदा होती है, उनका जो कलर होता है वो कैसा होता है? पिंक होता है। कैसा होता है? इन सब का जो कलर है, इन सब का कलर क्या होगा? पिंक होगा। क्या होगा? इन सब का कलर होगा पिंक। समझ आ रही है? क्या है? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन का कलर क्या है? पिंक। अब हो गया ये वाला, समझ आ गया? ये मैंने क्या कहा? F1 जनरेशन। अब इनका F2 जनरेशन वाला बताता हूं मैं आप सबको। F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैंने क्या ले लिया? पी जनरेशन। पी जनरेशन मतलब पेरेंटल जनरेशन। इसमें मैंने यहां पे क्या था? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। और ये दोनों के दोनों क्या थे? बताया था मैंने सारे क्या थे? पिंक। सारे क्या है? पिंक। समझ आ रही है? जैसे रोबजे का कलर होता है ना, रोबजे को जब दूध के अंदर डालते हैं, दूध को रोबजे में डालते हैं, तो कलर कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। समझ आ रही है? बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। अब देखो, अब मैं क्या क्रॉस करा रहा हूं? दूसरा क्रॉस करा रहा हूं F2 जनरेशन का। अब देखो पेरेंटल जीन ये सेपरेट होंगे, यहां भी सेपरेट होंगे। कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहां पे भी कैपिटल आर, यहां भी स्मॉल आर। समझ आ रही है? ये क्या हो गए? ये है गैमेट्स। ये क्या है? गैमेट्स। अब इनका क्रॉस कराना है। यहां से आएगा कैपिटल आर, यहां से कैपिटल आर, यहां से कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, यहां से आएगा स्मॉल आर, यहां से कैपिटल आर, यहां से आएगा स्मॉल आर और यहां से क्या आएगा? स्मॉल आर। समझ आ रही है? मैंने क्या बताया था? कैपिटल आर, स्मॉल आर का मतलब पिंक है, ये भी पिंक है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों के दोनों हो जाएंगे पिंक। इनका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक। इनमें तो दोनों रेड है, दोनों रेड है, यहां पर दोनों कैपिटल आर है ना, तो यहां पे क्या होगा? रेड कलर, रेड होगा कलर। यहां पे देखो दोनों स्मॉल आर है, तो यहां पे क्या कलर होगा? व्हाइट। यहां पे कैसा कलर होगा? व्हाइट कलर होगा। समझ आ गई? अब इनका जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर जीनोटिपिक रेशियो और नीचे लिखता हूं मैं फिनोटिपिक, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो मैंने बताया था, जीन्स के बारे में बात करेंगे। जीन्स यहां पे क्या है? कैपिटल आर, कैपिटल आर, रेशो
कैपिटल आर स्मॉल आर रेशो स्मॉल आर स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा इनका रेशो, 1:2:1। अब फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो में क्या क्या है भाई, फिनोटिपिक रेशो में है रेड पिंक और क्या है वाइट, समझ आ रही है, रेड कितना है एक, पिंक कितने हैं दो और वाइट कितने हैं एक, समझ आ रही है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जब F2 जनरेशन निकालते हैं, क्या है F2 जनरेशन, ये क्या है F2 जनरेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जब F2 जनरेशन निकालते हैं यानी कि सेकंड क्रॉस कराते हैं, उसके अंदर जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो बराबर आता है। देखो जीनोटिपिक रेशियो क्या है 1:2:1 और फिनोटिपिक भी क्या है 1:2:1, तो जीनोटाइप यहां पे जीनोटाइप बराबर फिनोटाइप हो जाता है, समझ आ गया क्रॉस, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कोडोमिनेंस। समझ आ गया ये, वेरी गुड। इसके बाद आता है कोडोमिनेंस, जो कोडोमिनेंस है, कोडोमिनेंस का एग्जांपल, कोडोमिनेंस का एग्जांपल आता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, कोडोमिनेंस का एग्जांपल है ए बी ओ ब्लड ग्रुप। मैंने क्या बोला इसके अंदर कि एफ वन प्रोजेनी रिजेंबल, जो बच्चा पैदा होगा वो किसकी तरह दिखेगा, बोथ द पेरेंट्स सेपरेटली, दोनों पेरेंट्स की तरह दिखेगा। तो उसके एग्जांपल मैंने क्या बताया ए बी ओ ब्लड ग्रुप। अब इसमें होता क्या है देखो, ये फादर है और ये मदर, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसका ब्लड ग्रुप है इसका है बी ब्लड ग्रुप, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप, इसका क्या है बी ब्लड ग्रुप। जो बाप का ब्लड ग्रुप है वो ए ब्लड ग्रुप है, मदर का ब्लड ग्रुप है बी, समझ आई। तो इनके ब्लड ग्रुप के लिए जीन्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, ए ब्लड ग्रुप के लिए क्या है आई ए आई ओ और बी ब्लड के ग्रुप के लिए क्या होता है आई बी आई ओ, समझ आई। ये क्या है एफ वन जनरेशन के फैक्टर्स है, फैक्टर्स का हो या जीन्स का हो। अब इनको भी सेपरेट होना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, अब ये भी सेपरेट होंगे, ये आई ए आई ओ, ये वाला क्या है आई बी आई ओ, अब देखो इसके अंदर यहां से आएगा आई ए, यहां से आएगा आई बी, यहां से आएगा आई ए, यहां से आएगा आई ओ, यहां से आएगा आई बी, यहां से आएगा आई ओ, इधर से आएगा आई ओ, यहां से भी आई ओ, या आई नोट भी बोल सकते हैं, आई ओ बोलो या फिर आई नोट बोलो। अब देखो ये वाला क्या है, यहां पे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, यहां पे क्या है ए ब्लड ग्रुप, यहां पे क्या होगा ए ब्लड ग्रुप है, यहां पे होगा बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि जो आई नोट है आई ओ आई नोट है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो डोमिनेंट है, समझ आ रही है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ ए एक्सप्रेस करेगा, ए ब्लड ग्रुप यहां पे, बी ब्लड ग्रुप और यहां पे क्या होगा ओ ब्लड ग्रुप होगा, समझ आई। तो मैंने क्या बोला रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स सेपरेटली, तो दोनों पेरेंट्स की तरह दिखेगा। देखो यहां पे देखो जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप है ये बोथ द पेरेंट दोनों की तरह दिख रहा है ना, बोथ द पेरेंट, बोथ द पेरेंट सेपरेटली दोनों पेरेंट की तरह दिख रहा है। देखो फादर से आ गया ए ब्लड ग्रुप, मदर से आ गया बी ब्लड ग्रुप, तो दोनों की तरह दिख रहा है ना, बाप का ब्लड ग्रुप ए है माँ का बी है, तो बच्चे का क्या है ए बी ब्लड ग्रुप,
समझ आ गया, बोथ द पेरेंट सेपरेटली, दोनों ब्लड ग्रुप की तरह दिख रहा है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट, हम नेक्स्ट बात करते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब होता है सेम कैरेक्टर्स कंट्रोल बाय मेनी जीन्स। इसका एग्जांपल हो जाता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप। इसके बाद आता है प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपी का मतलब होता है सेम जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर्स, या फिर हम लिख सकते हैं एक्सिबिट मैनी कैरेक्टर्स। इसका एग्जांपल आ जाता है स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड। अब देखो ये मैंने दो चीजें लिखी है, फर्स्ट मैंने लिखा मल्टीपल एलिलिज्म, नाम से पता लग रहा है सेम कैरेक्टर्स कंट्रोल बाय मेनी जीन। मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, एलिलिज्म मतलब एलिल्स बोलो, जीन्स बोलो, फैक्टर्स बोलो, बात तो एक ही है। तो बहुत सारे एलिल्स, बहुत सारे जीन्स, बहुत सारे फैक्टर्स, ठीक है, सेम कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। जैसे ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप तो ए बी ओ है, ठीक है, बहुत सारे जीन्स हो गए ना, ए बी ए बी बी एस में ओ बी है, तो बहुत सारे जीन्स हो गए, लेकिन सिर्फ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं ना, कैरेक्टर तो एक ही है ब्लड ग्रुप, लेकिन जीन्स कितने हैं ए बी ओ, समझ आ रही है। इसके बाद देखो प्लियोट्रोपी, सेम जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर्स, जीन एक होगा लेकिन कैरेक्टर्स बहुत सारे कंट्रोल करेगा। यहां पे मैंने लिखा स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड, जो मटर का दाना होता है उसके अंदर अगर स्टार्च की सिंथेसिस ज्यादा हो जाएगी तो वो गोल हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। अगर स्टार्च अच्छे से नहीं बन पाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, समझ आ रही है। अगर स्टार्च अच्छे से बन जाता है तो राउंड हो जाता है, अगर स्टार्च अच्छे से नहीं बनता तो रिंकल्ड हो जाता है, सिकुड़ जाता है वो जो सीड होता है। तो जीन तो एक ही है लेकिन कैरेक्टर तो ज्यादा कंट्रोल कर रहा है ना, समझ आ रही है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। चलो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आता है टेस्ट क्रॉस। देखो टेस्ट क्रॉस को सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है जब हम क्रॉस कराते हैं किस किस के बीच में, हेटरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, किसके बीच में क्रॉस कराएंगे, यहां लिख देता हूं मैं क्रॉस बिटवीन किसके बीच में, हेटरोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। हेटरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। अब बच्चे तुम सोच रहे होगे कि हेटरोजाइगस डोमिनेंट रिसेसिव होता क्या है, सही से समझा तो दो। देखो सुनो, होमोजाइगस डोमिनेंट का एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, नाम से क्या पता लग रहा है, हेटरोजाइगस, हेट्रो है ना, दोनों अलग अलग है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो हेटरोजाइगस डोमिनेंट, ये हेटरोजाइगस डोमिनेंट होता है, इसमें ये वाला क्या है डोमिनेंट है,
और दोनों हेटरोजाइगस है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटरोजाइगस मतलब डिसिमिलर, डिसिमिलर ट्रेट है इसके अंदर। अब होमोजाइगस रिसेसिव, रिसेसिव के लिए क्या लेते हैं स्मॉल टी, और कैसे होने चाहिए होमो, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये स्मॉल टी और यहां पे क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, समझ आ रही है। टेस्ट क्रॉस इसी को बोलते हैं, क्रॉस करा के दिखाऊंगा अभी, बट होमो हेटरोजाइगस डोमिनेंट ये हो जाएगा और होमोजाइगस रिसेसिव, कैपिटल स्मॉल टी रिसेसिव होते हैं और होमोजाइगस होने चाहिए एक जैसे होने चाहिए, डोमिनेंट कैपिटल टी हेटरो होने चाहिए इसलिए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब तुम सोचोगे कि भाई स्मॉल टी यहां पे कैपिटल टी क्यों नहीं लिया, अगर मैं यहां पर कैपिटल टी ले लेता तो ये क्या हो जाते होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाते, होमोजाइगस हो जाते, लेकिन मुझे क्या लेना है हेटरो लेना है, समझ आ रही है, समझ आ गया। चलो क्रॉस कराते हैं, इनके बीच में क्रॉस कराएंगे, ये तो पी जनरेशन है, अब क्या बनेगा वही गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे भी स्मॉल टी, अब दोनों क्रॉस कराऊंगा तो क्या मिलेगा, देखो यहां से आएगा कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, यहां से आएगा कैपिटल टी, यहां से आएगा स्मॉल टी, यहां से आएगा स्मॉल टी, यहां से स्मॉल टी, यहां से स्मॉल टी और यहां से भी स्मॉल टी, समझ आ रही है। तो दो हमारे पास आ गए कैपिटल टी और दो आ गए हमारे पास स्मॉल टी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं जीनोटिपिक रेशियो, यहां पे अगर मैं लिखूंगा जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, और यहां पे लिख देता हूं मैं नीचे फिनोटिपिक, फिनोटिपिक रेशियो, तो जीनोटिपिक रेशियो यानी कि जीन्स दो कैपिटल टी है दो स्मॉल टी है, तो यहां पर लिख देता हूं दो क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी और दो क्या है मेरे पास, चलो ऐसे लिख देता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। कितने हैं टू रेशो टू, अगर काटूंगा दोनों को तो क्या आएगा वन रेशो वन, समझ आई। अब देखो फिनोटिपिक रेशो क्या है, ये दोनों क्या है टॉल और ये दोनों क्या है ड्वार्फ, समझ आई। तो टॉल और ड्वार्फ इनका रेशो क्या हो जाएगा, इनका भी क्या हो जाएगा टू रेशो टू, दो तो बड़े हैं दो छोटे हैं, तो दोनों को काटूंगा तो क्या आ जाएगा वन रेशो वन, क्या आ जाएगा वन रेशो वन, समझ आ गया इतना। चलो नेक्स्ट, इसके बाद मैं बात करता हूं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर इसमें क्या होता है कि मेंडल पब्लिश हिज वर्क, मेंडल अपने वर्क को पब्लिश करता है 1863 के आसपास, बट नॉट एक्सेप्टेड टिल, कब तक 1900 तक वो एक्सेप्ट नहीं होता, क्यों एक्सेप्ट नहीं होता because of following reasons. पहला रीजन क्या है कि उसका जो वर्क होता है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, पहला रीजन है कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी, जो कम्युनिकेशन था कैसा था नॉट इजी, उस टाइम पे कम्युनिकेशन इजी नहीं था। सेकेंड फैक्टर्स और जीन्स, जो टर्म सी वो क्या थी, फैक्टर और जीन की टर्म क्या थी उस टाइम पे, न्यू थी, समझ ही नहीं आया। नेक्स्ट
मैथमेटिक्स यूज्ड इन बायोलॉजिकल कैलकुलेशन, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सॉरी प्रॉब्लम, समझ आई? देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेंडल ने जो वर्क किया है अभी तक, जो मैंने अभी फर्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर वन से अब तक बताया है, मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं पी प्लांट के ऊपर, उसके वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके वर्क को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन था उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन है, जो बात करने का तरीका है, बात करने की जो स्किल्स है, वो इजी नहीं थी। क्यों इजी नहीं थी? इसने और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, इसने मैथमेटिक्स को यूज कर दिया। मैथमेटिक्स को यूज किया कि मैं 1:2:1 होता है, 1:1 होता है, ठीक है। और भी मैथमेटिक्स को इसने एडवांस लेवल पे यूज किया था बायोलॉजी के अंदर। आप सोच सकते हो बायो के अंदर मैथमेटिक्स को यूज कर रहा है बंदा, क्योंकि मैथ का टीचर था उस टाइम पे, तो मैथमेटिक्स को यूज कर लिया इसने, समझ आ रही है। थर्ड क्या था, फैक्टर ऑफ जीन टर्म वॉज न्यू, जो इसने बोला कि भाई फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होता है, कुछ जीन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। फैक्टर फैक्टर चिल्ला रहा है, जीन्स जीन्स चिल्ला रहा है, समझ ही नहीं आ रहा किसी को क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ साइंटिस्ट आते हैं 1900 में, कुछ साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है डेवरिस, वॉन्टेक मार्क, ठीक है, ये सब साइंटिस्ट आते हैं। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना सफिशियंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आए होंगे, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। लेकिन जो क्रॉस मैंने कराए हैं वो एक बार जरूर प्रैक्टिस करना, सारे के सारे वीडियो को पॉज करके देखना। और जो नोट्स हैं, जो नोट्स हैं लेक्चर नंबर, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, जो भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं, सारे के सारे नोट्स दिसंबर से आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड God bless you.